हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मुझे एक भाई का फ़ोन आया था, उसने मुझे अपने बारे में बताया। एक्चुअली उनका भी फ्रैक्चर हुआ था, जो पैर की मेन हड्डी होती है नीचे टीबिया फिबुलम, जो टीबिया होती है उसका, उनका फ्रैक्चर हुआ था। तो उन्होंने मुझे अपना एक्सरे भेजा और मुझे बताया। एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ, जब उनका फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर होने के बाद उनको एक हफ्ते के लिए कच्चा प्लास्टर लगाया गया था। एक हफ्ते के बाद डॉक्टर ने उन्हें पक्का प्लास्टर लगा दिया। डॉक्टर ने उनको बोला था कि 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने का उनको टाइम दिया था कि 3 महीने के बाद आपका जो प्लास्टर है ये कटेगा, जो पक्का प्लास्टर था। तो भाई दवाई वाई लेकर और प्लास्टर करवा के घर चले आया। उसके बाद जब वो 2 महीने, सवा 2 महीने उनको हो रहा था, उन्होंने क्या किया कि पैर के अंदर उन्हें खुजली हो रही होगी। अक्सर लोगों को खुजली होती है, क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है उसके बाद प्लास्टर जब लगाया जाता है तो पैर के अंदर हवा भी नहीं जा पाती है, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, इस वजह से खुजली होने लगती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हल्का सा कपड़ा उपड़ा लगा के कैसे भी थोड़ी खुजली को कर लेते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नाखून मार देते हैं या लकड़ी वगैरह डाल के खुजलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन भाई ने क्या किया कि किसी लकड़ी से, पैर के अंदर लकड़ी डाल के इनको खुजली हो रही होगी, तो इन्होंने लकड़ी डाल के खुजला दिया। इस खुजली की वजह से कहीं पे भी लकड़ी चुभ गई होगी पैर में, चुभने की वजह से इनको घाव हो गया अंदर, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। अब घाव की वजह से उसमें ब्लड आने लगा और खुजली और ज़्यादा होने लगी, घाव बढ़ गया उसमें। फिर इन्होंने क्या किया, डॉक्टर को दिखाया। ये सब होते होते इनको लगभग 2 महीने 10 दिन 15 दिन का टाइम हो रखा था। तो ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने देखा और प्लास्टर जो भी था उसको काट दिया। प्लास्टर काटने के बाद डॉक्टर इनको बोला कि प्लास्टर फिर से चढ़ाना चाहिए आपको, और 1.5 महीने प्लास्टर और आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले डॉक्टर ने इनको 3 साढ़े 3 महीने के लिए बोला था। जैसा भी होता है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर आपका एक्सरे करता है। एक्सरे करने के बाद वो बताता है कि प्लास्टर अभी निकालना है या नहीं निकालना है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि प्लास्टर तो अभी करवाया नहीं है, डॉक्टर के पास गए। आज इनका मेरे पास फ़ोन आया था, सुबह सुबह ही फ़ोन आ गया, तो मेरी इनसे बात हुई। तो इन्होंने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन होती है, देखिए हड्डी जुड़ने में लगभग 6 से 8 हफ्ते का टाइम लगता ही है, आप सभी को पता है। तो 6 से 8 हफ्ते के बाद अगर हफ्ते और 2 हफ्ते प्लास्टर और लगा रहेगा तो उतनी ज़्यादा मजबूती हो जाती है। अगर आप प्लास्टर जल्दी हटा देंगे तो मजबूती नहीं रहेगी, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी केयर करो, कहीं ना कहीं आपको पैर टेढ़ा हो सकता है। कभी आप चलेंगे, चलने की वजह से ज़्यादा लोड आ सकता है, इस वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो वही बात इन्होंने मुझसे पूछी कि अब मुझे प्लास्टर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर ने तो अभी इनको बोला है कि आपको 1.5 महीने तक प्लास्टर और चढ़ाना चाहिए, तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो देखो दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि अभी आपको प्लास्टर चढ़ाना चाहिए, तो फिर इसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए, किसी और की राय लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको प्लास्टर चढ़ाना चाहिए, इसका मतलब है कि प्लास्टर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, हड्डी प्रॉपर नहीं जुड़ी होगी, इसीलिए डॉक्टर ने आपको बोला है कि अभी प्लास्टर लगाओ। तो जैसा भी आपको डॉक्टर कहता है आपको वैसा करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, जिस किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए और जैसा भी डॉक्टर आपका कह रहा है वैसा आपको करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फ्रैक्चर का मामला है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लास्टर नहीं करवाओगे तो आपकी हड्डी टेढ़ी जुड़ सकती है। पैर आपका टेढ़ा रहेगा तो हड्डी टेढ़ी जुड़ जाएगी, अगर पैर आपका हिलता रहेगा तो हड्डी जुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको दर्द होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, और भी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, नॉन यूनियन हो सकता है। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। डॉक्टर ने आपको बोला है कि अभी प्लास्टर चढ़ाना है, तो भाई आपको प्लास्टर चढ़ा लेना चाहिए। जैसा भी आपको डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर की राय माननी चाहिए आपको। देखो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई और भी वीडियो बना रहा है यूट्यूब पर, वो आपको कह दे कि नहीं आपको प्लास्टर नहीं करवाना चाहिए, आप ये दवाई ले लो, वो ले लो, ऐसे ही ठीक हो जाओगे, तो भाई उसकी अपनी रिस्क है, ये आपकी अपनी रिस्क है। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि डॉक्टर आपको कुछ और कह रहा है, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डॉक्टर को अच्छी खासी नॉलेज होती है, इतने लोगों का ट्रीटमेंट किया होता है उन्होंने, तो उन्हें पता होता है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप लोग जो भी डॉक्टर आपको राय देता है आप वैसा करो, और जल्दी से जल्दी सभी लोग ठीक हो जाओगे। कई भाई मेरे पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं क्या मैं ठीक हो पाऊँगा, क्या मैं चल पाऊँगा। तो देखो यार,
सभी लोग ठीक हो जाओगे, सभी लोग चल पाओगे, थोड़ी बहुत दिक्कतें सभी को होती हैं, तो इसके लिए आप परेशान मत हो, अपना ट्रीटमेंट चालू रखिए, अपना केयर कीजिए और जल्दी से आप सभी लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी हेल्पफुल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।